हमने 4 साल हो गया बैठा ने, यदि वो काले कानून पर साइन कर सका है, वो ट्रैक्टर यात्रा कर सका है, तो क्या हम लड्डू भी नहीं बैठ सकते? शोकना मैं चाहे 105 साल का बूढ़ा हो, के कंदी आ लता भाई साहब चौधरी गला बात करिए, वो चौधरी साहब है, वो 110 साल का बूढ़ा ने भाई साहब भाई टिकट तो उस भाई की थी, एक ओनी धक्का करया था, उसकी बीजेपी तक कट गई थी, कांग्रेस में टिकट कटे थी। सारे दर्शकों ने राम राम में मंजीत कोत है। साथियों फिलहाल हिसार लोकसभा क्षेत्र के उचियाणा विधानसभा महा अरनू कह रहा भाई कोई जीता नहीं, उस खुशी में लाडू बंडे जाग रहा, खुशी मनाई जाग रहा है, लेकिन आज किसी की पहली हार में देखा गया, हार पे जो लाडू बंडे जान लग रहे हैं। उचियाणा जो धरना है, राजनीति भी कह जाओ भाई, राजनीतिक धरना है, किसानों का धरना है, वो भी बातचीत करांगे, लेकिन अगर बात करा जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी करी उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो लड़का है बीरेंद्र सिंह का नाम नहीं आया है, तो जेपी को यहाँ से टिकट दी गई है, तो उसी को लेकर बातचीत करांगे, क्योंकि जो किसान बैठे हैं उचियाणा तहसील में इनका भी एक बड़ा योगदान रहा, ये दिल्ली गए थे टिकट कटवाण खातर गए थे, कितना के असर रहा, के कुछ रहा, हाईकमान का के फैसला रहा, के बातचीत हुई थी, आज बातचीत करांगे। तो बिल्कुल दिखाना चाहूँगे, लड्डू बंडे जान लग रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, क्या पहली बार किसी की जो टिकट कटी, टिकट कटने का खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि जो पूरा तक कई साल जो वीरेंद्र सिंह की बात करा, चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार इलेक्शन लड़ते आने लग रहे, उसका घर है गढ़ है, आज किस खुशी में लड्डू बंडे जान लग रहे हैं भाई? देखिए यह खुशी कई दिन बाद मिली है, या ये धरना 17 महीने से चला हुआ है, और हमारी किसी भी ये पिछली सरकार थी जो बीजेपी की और जेजेपी की, हमारी बात नहीं सुनी, 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ धरने पर लगातार बैठे हुए थे, और हमें वोट गिरने का राह नहीं था, इसलिए आज जो इंडिया गठबंधन एक मजबूत कैंडिडेट लेकर आया है, हमें पता है कि यही कैंडिडेट इस बीजेपी को हरा सकता है, जेजेपी को हरा सकता है, इसलिए जयप्रकाश को टिकट मिलने की खुशी में आज उचियाणा धरने पर हमने लाडू बांटने का काम किया। ये खुशी में है या टिकट कटने की खुशी में, जिन्हों बताओ उसका? भाई टिकट तो उस भाई की थी, एक ओनी धक्का कर रहा था, उसकी बीजेपी तय कट गई थी, कांग्रेस में टिकट कटे थी, वो घर का नहीं घाट का, धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का, हुआ का हो तो उस भाई गले बन रही है, लेकिन देखो अगर टिकट लेनी थी बीजेपी से लेता, 10 साल मलाई बीजेपी में खाई है, बढ़ाई बीजेपी की करी है, जो काले कानून आए उनके पक्ष में उसने रैली निकालने का काम किया, गरीब टिकट कांग्रेस से मांगे, कांग्रेस क्यों टिकट दे दिया? हमने इस बात का कांग्रेस नेतृत्व का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम दिल्ली के अंदर गए और सच्चाई थी, सच्चाई से हमने अवगत करवाया, और शीर्ष नेतृत्व ने हमारी बात सुनी, सोनिया गांधी ने हमारी बात सुनी, जो प्रभारी है दीपक बावरिया जी उसने हमारी अच्छे तरीके से बात सुनी, और हमारी बातों पर संज्ञान लेकर एक मजबूत कैंडिडेट हमारे को दिया, इसलिए बीजेपी जो लोकतंत्र का आनंद कर रही थी, प्रजातंत्र को खत्म कर रही थी, किसान मजदूर की बात नहीं सुन रही थी, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे, इसलिए मजबूत उम्मीदवार हमारे बीच में जयप्रकाश आया है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, इसलिए हम इंडिया गठबंधन को वोट डालने का काम करेंगे, और टिकट मिलने की खुशी में आज हमने उचियाणा धरने पर लड्डू बांटने का भी काम किया है, और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि जयप्रकाश को बड़े भारी वोटों से यहाँ पर जिताने का काम करेंगे। उनके कार्यकर्ताओं ने आपके धरने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप लगाए थे, तो अब क्या जवाब देना चाहोगे? देखो आरोप प्रत्यारोप लगाने का लोगों का काम है, धरना लगातार मैं कहूँ 4 साल से हम आंदोलन रहता है, और 4 साल से पहले हमने काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, देश के सबसे बड़ा तानाशाह को झुकाने का काम किया, और 17 महीने से उचियाणा तहसील परिसर में हम अपनी सामूहिक मांगों को लेकर बैठे हुए, हमारी मांग है कि डैकल हेड से हमें पानी दिया जाए, और गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाया जाए, ऊपर गामी रेलवे पुल बने, सरकारी कॉलेज बने, साफ पानी लोगों को पीने का मिले, छैतर थुआ संडील के अंदर एक ड्रेन की निकासी की जाए, इसी प्रकार की जो मूलभूत सुविधा है और जो मांग मुद्दे है उन्हीं को लेकर हमारा धरना चल रहा है, लेकिन जो पीछे सांसद था विधायक था हमारी कोई बात नहीं सुनी थी, इसलिए हम हताश निराश थे, हमें अब आशा और उम्मीद जगी है कि आने वाली सरकार हमारी इन मांगों को भी पूरा करने का काम करेगी, और जो हमारी केंद्र सरकार से मांग है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा भारत वर्ष की कि MSP पर फसल खरीद का कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 के अनुसार बिजली बिल पराली बिल विधेयक को निरस्त करने का काम हो, लखीमपुर खीरी के जो किसानों को रौंदा गया था उसके दोषियों को सजा मिले, किसान मजदूर के कर्जे माफ हो, इन बातों की
उम्मीद मिली है हमें और आशा के साथ ही जिया जाता है, इसलिए हमें इंडिया गठबंधन से पूर्ण उम्मीद है कि इन सभी कामों को पूरा करवाने का इंडिया गठबंधन काम करेगा, इसलिए हमारे अंदर आज खुशी भी। विरोध तो आपने जेजेपी और बीजेपी का कराया, लेकिन वीरेंद्र का विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस का विरोध भी देखा जा रहा था। लेकिन कांग्रेस का विरोध नहीं था, वो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने फैसला लिया था सभी लोगों ने मिलकर कि जो जेजेपी और बीजेपी से छोड़कर जो भी सांसद और विधायक किसी भी पार्टी में जाएगा, और ये जो हमारा जो सांसद इसी कैटेगरी में आता था, इसलिए हमें कहीं भी वोट डालने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। आज इस बात की भी खुशी है कि हमें वोट डालने के लिए जगह मिल गई, इसलिए हमने जयप्रकाश को यहाँ से हम जिताने का काम करेंगे और लोकसभा में भी जुड़ाने का काम करेंगे। किसान मजदूरों की है जो लगातार 4-5 साल से आंदोलन लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी जीत है ये उचाणा धरना की, क्योंकि यहाँ से जो आवाज उठी थी, यहाँ से जो किसान गए थे, उसके बाद जो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला था और बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली है उसका एक ही मकसद था कि बीजेपी को हराना, और यदि बीजेपी को हराना है तो किसको जिताना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। और हिसार के अंदर हमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको हम सपोर्ट कर सके, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जिस बंदे का नाम चल रहा था वो हमारे एरिया से आता था, पर उसकी कमी ये थी कि उसने हांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, काले कानूनों के ऊपर साइन करने का काम किया, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसको हम वोट नहीं दे सकते थे। तो इंडिया गठबंधन से जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो हमारी सक्सेस हुई, और सबसे बड़ी ये है कि संयुक्त मोर्चा हरियाणा का हम और उचाणा का जो संयुक्त मोर्चा है खासकर, और जो हिसार का संयुक्त मोर्चा, उसका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लगातार अपनी बाइट दी, अपनी आवाज़ को बुलंद किया और लगातार इसके ऊपर अपनी, मतलब ये कह सकते हैं कि ताकत डालने का काम किया। जो लोग ये कहते थे कि 5 आदमी बैठे हैं ये कुछ नहीं करते, ये हलवा खाने वाले लोग हैं, ये लड्डू खाने वाले लोग हैं, तो लड्डू खाने के लिए बड़ी मुश्किल से हमने मौका मिला पहली बार। और हमारे दादाजी का एक और था, वो कहता था कि मुझे ना टिकट का पता है, टिकट किस तरीके से मिलती है और कहाँ से मिलती है। तो अब हमने, आपको पता है कि मैं कहती हूँ कि राजनीति को रणनीति से मारिए, तो अब पहली बार हमने टिकट काटने वालों का रास्ता पता कर लिया कि जो गद्दार है, जो दल बदलू है, जो हमारे कौम के गद्दार है, उन लोगों की टिकट कहाँ से काटी जाती है, क्योंकि राजनीति को रणनीति से मारना है। उन्होंने टिकट लेने का तरीका पता था, हमने टिकट कटाने का तरीका पता कर लिया, ताकि इस समस्या का समाधान हो कि लगातार रोजगार की, शिक्षा की, सुरक्षा की जो बात है वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लगातार एक तानाशाही जो लगातार इस देश के अंदर हो रहे थे, उस तानाशाही को तोड़ने के लिए, ये नहीं कई बार कहते हैं कि भाई ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, नहीं, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारी मजबूरी है, और मजबूरी ये है कि बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे दुश्मन का साथ देना। तो आपको नहीं लगता कि हाईकमान ने आपकी बातों को ध्यान से सुना है और तभी इस प्रकार का बड़ा फैसला लिया? नहीं, एक बात बताओ, यदि हाईकमान किसानों की नहीं सुनता तो वोट किसको देते? हम नहीं देते, चाहे हमें मतलब अपना निर्दलीय कैंडिडेट लेके आना पड़ता, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, हमने कागज तक तैयार कर रखे थे, हम निर्दलीय कैंडिडेट हिसार से उतारने का काम करते यदि यहाँ पर कोई डम्मी कैंडिडेट या दल बदलू कोई कैंडिडेट आता। तो विजेंद्र सिंह की टिकट कटना आप अपने आप को मतलब सक्सेस मानते हो इस बार? लेकिन लोकसभा तो कट गई, विधानसभा में क्या? विधानसभा में तो देने को दें दे, जब लोकसभा इतना बड़ा क्षेत्र है उसके अंदर हम सफल रहे हैं, विधानसभा तो एक झटका में ले लेंगे, नहीं ले लेंगे वो तो हमने तरीका आवा है। अब हमने वो रास्ता पता कर लिया जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पता था, अब उचाणा के धरना के जो लोग हैं इनती भी उस रास्ता का बेरा पट गया, टिकट मिला कड़ा था या कटा कड़ा था। एक और चर्चा जिन्होंने निर्दलीय लड़ेंगे नहीं लड़ लेंगे, हमने क्या मना है, यू रास्ता पड़ा कोई लड़ो, लोकतंत्र के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आज़ादी सबको है वोट डालने का और खड़े होने का या मतलब इलेक्शन लड़ने का सबका अधिकार है, लड़ो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अब की बार नू देख लियो जमानत जब्त होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह थी कि हिसार के अंदर हमें इंडिया जो इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया था संयुक्त मोर्चा ने, ऐसा कैंडिडेट नहीं होता तो हमारे लिए भी निर्दलीय की स्थिति आती, और यदि वो निर्दलीय लड़ते हैं तो हमें इस बात से कोई समस्या नहीं, हमारा तो जो पूरा समर्थन है वो इंडिया गठबंधन को है, और इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो जयप्रकाश। बांगर का शेर वीरेंद्र सिंह को कहा जाता था, लेकिन आज के बाद क्या संज्ञा देना चाहेंगे किसान? हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, एक वक्त आने के बाद शेर की ताकत कम हो जाती है और उसको अपना इलाका छोड़ देना चाहिए, ताकि जो नए शेर आए हैं वो वहाँ पर अपना शासन कर सकें, और यदि शासन नहीं करते तो आपको पता है प्रकृति का एक नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वक्त आने के बाद सीधी सी बात है आज के बाद बांगर का शेर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और बांगर का शेर तो हमारे ऊपर था जो हम लगातार उसका शोषण सह रहे थे, वोट दे रहे थे और उससे रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की बात नहीं कर रहे थे, यानी जो हमारे लोग थे ये कह सकते हैं कि ये भोला लोगों का इलाका था, पर जो किसान आंदोलन आया यहां से लोगों ने बोलना सीखा, आवाज़ उठानी शुरू करी, और बांगर का शेर आज जीरो हो चुका है, तो वो बांगर का शेर नहीं है, यहां बांगर के शेर और बहुत पैदा। शेर की बात करिए, क्या किसानों में से निकलेगा कोई नया? बिल्कुल निकल सकता है,
इसमें क्या दो राय है? क्या मतलब किसान सिर्फ लड़ने के लिए? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जो आज कांग्रेस पार्टी ने किया ये वक्त की मांग थी हमारी, पर विधानसभा के अंदर हम चाहते हैं कि 50% जो टिकटें हैं, यदि कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी को हराना है, तो 50% जो टिकटें हैं वो किसान मजदूर महिला को देनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ के जो मतलब लगातार जो पार्टी के सपोर्टर हैं उनको ही टिकट दी जाए। ये जो लोग हैं विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सड़कों पे लड़ रहे हैं, वो नहीं निभा रहे। आज ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस हमारी मजबूरी है, ये डम्मी थे, उन्होंने विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभाई। उसकी सही भूमिका किसान मजदूर महिला ने सड़कों के ऊपर निभाने का काम किया, और इसके एवज में यदि कांग्रेस ने आने वाले टाइम में विधानसभा में जीत दर्ज करानी है, तो 50% जो टिकटें हैं वो महिला किसान और जो हमारे अन्य जो किसान नेता उनको देने का काम करे, ताकि जो संसद और विधानसभा के अंदर कलम के ऊपर कब्जा किया जा सके, कलम की जो ताकत है वो किसान मजदूर महिला के हाथ में हो, ताकि कानून हमारे हिसाब से बने, हमें बार बार सड़कों पे ना आना पड़े। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि लक्ष्मीबाई, राजगुरु, सुखदेव या भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा हर घर से, यदि इस देश को बचाना है। यदि आप ये नहीं कर सकते तो इलाके वाइज एक एक छोटू राम पैदा करना होगा, और सर छोटू राम पैदा करना तो विधानसभा के अंदर पैदा करना है। और ये बात कांग्रेस को पल्ले बांध लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम में यदि उसको पूर्ण समर्थन चाहिए तो किसान मजदूर महिला को अपने साथ लेना होगा, जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली है उसको साथ लेना होगा, जिसकी वजह से आज बहुत सी सीटों पर उनको फायदा मिलने वाला। तो आज लड्डू बांटे गए हैं, ये टिकट कटने की खुशी में है या मिलने की खुशी में? ये दोनों तरफ है, मिलने की खुशी में भी और कटने की खुशी में भी। जिसको जो सा मामला फिट बैठता होनी उसे हिसाब तक खा लो लड्डू। मतलब विजेंद्र की टिकट कटी है उसमें बहुत खुशी है? नहीं, एक बात बताओ, उसने कारनामे इतने करे हैं, हमने खुशी मनाने की क्या जरूरत है? पूरा इशार खुशी मनाने लग रहा है। डम्मी कैंडिडेट दोगे, डम्मी मतलब एक बात बताओ, हमने 4 साल हो गया बैठा ने, यदि वो काले कानून पर साइन कर सका है, वो ट्रैक्टर यात्रा कर सका है, तो क्या हम लड्डू भी नहीं बैठ सकते? मैं कमें थे नुबले हैं तो एडा हलवा खान के मारे बैठे हैं, हम हलवा खावा ना खावा हम लड्डू खावा है। और लड्डू खान का टाइम दिया मालिक ने मरता है, क्योंकि उन्होंने कहा 200 करोड़ में टिकट मिल जाया करे, मैं 200 करोड़ भी गए टिकट भी गई। ये दोनों तरिया के, ये कटन के भी, मिलन के भी, ये मिला दिया हमने, मिक्स बनाया दिया, मिक्स ब्रांड बना दिया हमने। यहाँ टिकट कटने की ज्यादा खुशी है जनता ने, अच्छा। मिलने की तो जय प्रकाश ने मिल गई बढ़िया, नहीं किसान सुख मोर्चा कैंडिडेट इस तभी बढ़िया तारा है, मतलब जेजेपी का चोपड़ा साफ सा जमा। कितनी खुशी हो जाता होगा आज? खुशी मना तो इतनी हो रही, 12 बजे मना देखते ना, मैंने नींद आई ना जमा कुछ आई। हाँ मना तो खूब लड्डू बांटे जमा जुआ जाएगा, अच्छा। सपने में असली लाया ठेगा, बहुत बड़ी जय प्रकाश ने टिकट मिला, बहुत खुशी हमने। ईब का है बल्या थी रणदीप ने बदला है, शंकर सम्राट मोदी चाहता हूँ आज तेरी जमाने जपत है, नहीं बढ़न देंगे नहीं वोट है। और हमने टिकट कटने की ज्यादा खुशी है भाई, यदि कोई वादे नहीं सुनी, हाँ सीमित रैली निकाली हो काले कानून आप साइन करके, यदि कोई बेरा नहीं ये भी तीन बेरा पड़ जाएगा भाई शौकन सैक नहीं सह या जानो जी शौकन को नहीं मानना चाहती हूँ। हाँ कल्ला शौकन है, शौकन नाम है, चाहे 105 साल का बूढ़ा हो के कंधी लता भाई साहब चौधरी गला बात करिए, वो चौधरी साहब है, वो 110 साल का बूढ़ा ने भाई साहब है वह शब्द सिखा देंगे शौकना ने न्यू बेरा पड़ जाएगा शौकन है। और मैंने को शौकना ने कैसे निर्दलीय हो जो तो अब इसकी जमाने जब्त कर दो।